Indoors I bruise and blunder, break faith, leave ill enough alone a dead child born in the dark. यहाँ a dead child born in the dark में दो contradictory images का प्रयोग किया गया है, एक तरफ born पैदा होने को और एक तरफ dead, दोनों एक साथ रखे गए हैं. This shows the irony of life according to the poetess. And the images of dead, dark, bruise, blunder and so on set a gloomy tone of the poem. तो यहाँ poetess ना कि सिर्फ अपने अंदर introspection कर रही है बल्कि बाहर की society को भी देखते हुए उसके अंदर की भी जो negativity है उसको बता रही हैं कि किसी गरीब के यहाँ शायद एक बच्चा पैदा हुआ है जो कि मरा हुआ है, तो ये भी कितनी दुखदाई बात है. इसका मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ना सिर्फ मेरे अपने जीवन में दुख है बल्कि चारों ओर दुख ही दुख है. नाइट क्रैक्स अप ओवर द चिमनी, पीसेस ऑफ टाइम, फ्रोजन जियोट्स कमिंग शावरिंग डाउन इन द ग्रेट. अब यहाँ वो कह रहे हैं कि रात होती है, चिमनी के ऊपर से जब मैं देखती हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि रात हो चुकी है और टाइम के जो टुकड़े हैं वो किसी फ्रोजन जियोट्स की तरह इधर उधर बिखर चुके हैं, यानी मेरा पूरा समय या जीवन बिखरा हुआ सा है. कम शावरिंग डाउन इन द ग्रेट, और ये टुकड़े बिखर के एक बरसात की तरह इधर उधर फैल रहे हैं. इन द ग्रेट, ग्रेट होना यानी चूर चूर होना. अब इसे एक दूसरे पर्सपेक्टिव से भी समझते हैं कि रात होने के लिए नाइट कम्स ना कहकर, कुछ और ना कहकर यहाँ क्रैक्स अप लिखा हुआ है. क्रैक्स अप एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब होता है टूट कर बिखरना. तो रात सिर्फ हो नहीं रही है, रात होना तो नेचुरल है, पर उनके लिए रात ऐसा हो रहे, ऐसे लग रहा है उन्हें होते हुए जैसे टूट कर वो बिखर रही है. वो रात टूट कर नहीं बिखर रही है, ये पोएटस का इनर सेल्फ है, उनकी सोल है जो पूरी तरीके से टूट कर बिखर रही है. इसके अलावा क्रैकअप एक सटल टर्म है जो यहाँ यूज़ किया गया है, विच ऑल्सो मीन्स बींग अनेबल टू डील विथ द प्रेशर. इट ऑल्सो मीन्स बींग अनेबल टू डील विद द हाई प्रेशर ऑफ लाइफ और वर्क और सो ऑन. सो हियर शी माइट मीन दैट व्हेन नाइट कम्स शी फील्स मोर लोनली एंड द प्रेशर एंड सैडनेस इन हर हार्ट बिकम्स अनबेरेबल. और पीसेज ऑफ टाइम भी यहाँ समय को बताने की एक बहुत ही नेगेटिव दृष्टिकोण है या अप्रोच है. देन यहाँ वो कहती हैं जियोट्स के बारे में. जियोट्स बेसिकली क्या होते हैं? वॉल्केनिक इरप्शन के बाद वातावरण में चारों ओर बिखरने वाले स्मॉल रॉक पार्टिकल्स को हम जियोट्स कहते हैं, जिनकी विशेषता ये होती है कि इनके बीच में कैविटी होती है, इनके मध्य भाग में कैविटी होती है, अर्थात इनका जो मध्य का भाग होता है वो टूटा हुआ या खाली होता है. अब यहाँ पर उन्होंने जियोट की इमेजरी को ही क्यों यूज़ किया है, इसका एक बहुत ही सटल कारण है. एक्चुअली कैविटी युक्त संरचना होने के कारण जियोट्स को फेमिनाइन प्रॉपर्टी या फीचर से भी एसोसिएट किया जाता है, बिकॉज इट में रिप्रेजेंट अ वुमन्स वोम, जो एक स्त्री की कोख होती है उसमें भी बीच का जो भाग होता है वो वैक्यूम होता है, खाली होता है. तो यहाँ जियोट एक फेमिनाइन फीचर की तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है. सो हियर दिस कनोटेशन सीम्स मोर एक्यूरेट एज द पोएटिस फील्स लोनली हैविंग नो किड्स एंड हैविंग बीन सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड आफ्टर डिवोर्स. इसी कारण उन्होंने यहाँ जियोट्स की इमेजरी प्रेजेंट की है जो उनकी फ्रोजन वूम्ब या सूनी गोद को भी दर्शाता है. ऐसी अवस्था में वे महसूस करती हैं जैसे किसी वॉल्केनिक इरप्शन के बाद रॉक के कण चारों ओर बिखर गए हों. अब ये वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ पर वास्तव में लिखा नहीं हुआ है, पर उसकी इमेजरी एक हिडन रूप में दे रहे हैं. तो ये वॉल्केनिक इरप्शन वास्तव में उनकी पर्सनल लाइफ में होने वाली उथल पुथल को दर्शाता है. ये सब कुछ एक ग्रेटिंग के फॉर्म में हो रहा है. अब यहाँ ग्रेट के भी वेरियस कनोटेशन हो सकते हैं. पहला अर्थ ये हो सकता है कि शी फील्स दैट द फ्रोजन जियोट्स आर स्प्रेडेड ओवर आफ्टर बीइंग ग्रेटेड फाइनली, अर्थात इन जियोट्स के महीन कण चारों ओर फैल रहे हैं. ग्रेट का मतलब महीन टुकड़े करना या चूरा करना. दूसरा अर्थ हो सकता है कि इस दुखमय स्थिति में पोएटिस खुद को ग्रेटेड या पिसा हुआ या चूर चूर महसूस कर रही हैं. तीसरा अर्थ इरिटेशन से है कि ये लोनलीनेस जो है पोएटिस को इरिटेट कर रही, क्योंकि ग्रेट का अर्थ इरिटेट होना भी होता है. तो इस स्टैंजा में पोएटिस की नेगेटिव माइंडसेट को